I'm just waiting for a couple of more people to come on live. Right now we have almost 200 people watching this live video. Thank you very much, and don't worry, this is all organic. I don't pay, I don't sponsor my Facebook profile like most people do. I also do not sponsor any of my posts like many journalists do. Journalists like Shivam Viz, and I have records with me, screenshots with me, and conversations with them who have openly admitted to sponsoring their own stories in order to gain traction, because their stories never get the eyeballs. Rishabh, hello. Siddharth ji, hello. आज मैं आवेश में हूं और गुस्से में हूं, और इसी तेवर के साथ ये लाइव चलेगा, क्योंकि आज हमारी संप्रभुता पे अटैक हुआ है. आज के इन्फॉर्मेशन के बाद ये ऑफिशियली पता चला है हम लोगों को कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से भारत के टुकड़े टुकड़े करने की कॉन्स्पिरेसी जो रची थी जेएनयू में, जब राहुल गांधी जाकर के बैठे थे उस टुकड़े गैंग के साथ, उसका आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है. प्रशांत जी नमस्ते. अच्छा विषय रखती हूं मैं, ऐसा कह रहे हैं आप. क्या करें, रखना पड़ता. और अच्छा विषय तो ये नहीं है. हमारी डेटा सिक्योरिटी पे खतरा मंडरा रहा है, तो ये अच्छा विषय नहीं है. पर ये जरूरी विषय है जिसपे मुझे लगता है हर भारतीय को चिंता करनी चाहिए. तो और हम लोग युवा हैं, हमारे नसों में खून खौलता हुआ दौड़ता है, तो निश्चित रूप से बात तो रखनी ही चाहिए. जय श्री राम सुनील जी. बहुत लोगों को मिर्ची लगेगी इससे, बट जय श्री राम. सुनील जी नमस्ते. राजीव बत्रा जी, आपको भी नमस्ते. राजीव विमल जी, सिर्फ ऑडियो आ रहा है, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि प्रॉब्लम आनी चाहिए वीडियो में. नमस्ते अभिजीत जी, आई होप यू आर डूइंग गुड. असम से मेरा कनेक्शन बहुत ही पुराना है, और आई लव व्हेन आई सी पीपल फ्रॉम असम एंड लव इंटरैक्टिंग विद देम. मुद्दे की बात करते हैं. कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में बहुत दिनों से मैं खुलकर लिख रही हूं ट्विटर पे, और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं थी. ऑफ कोर्स इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास थी. मैं कह रही हूं तो मैं सिटीजन्स की बात कर रही हूं, लेकिन इंडियन सिटीजन्स होने के नाते हमें ये जो हमारी आदत है कि हम हर चीज को लास्ट मोमेंट तक तरका कर रखते हैं, जब तक हमारे सर के ऊपर पानी बहता नहीं है तब तक हम लोगों को चीजों की सीरियसनेस समझ नहीं आती. तो आज मैं आप लोगों के सामने मुखातिब हुई हूं एक युवा होने के नाते और एक युवा प्रोफेशनल होने के नाते, जो राजनीतिक क्षेत्र में अपने हिसाब से थोड़ा बहुत काम कर रही हूं और आज की राजनीति को इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रही हूं सक्रिय राजनीति से जुड़े बिना. तो मुझे लगता है कि ये लाइव सेशन हम उन तमाम प्रोफेशनल्स के लिए भी जरूरी है जो किसी न किसी रूप में या तो कहते हैं कि मेरे साथ काम करना चाहते हैं, हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, या उन लोगों के साथ जो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. और कई लोग कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, कई लोग सपा के साथ काम कर रहे हैं, कई लोग बीजेपी के साथ एज वेंडर्स या एज थर्ड पार्टी इंटरैक्टर्स काम कर रहे हैं. तो मैं इन सभी मुद्दों को लेकर मैं आज लाइव हुई हूं. सी, डेटा का बहुत ज्यादा उपयोग इलेक्शंस में होता है, और ये आज हो रहा है ऐसा नहीं है, ये ट्रेडिशनली होता आया है. ये जब बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का मोबिलाइजेशन होता है, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, तो ऑफकोर्स डेटा की जरूरत होती है. और क्यों ना हो, हर बात प्रामाणिकता से, हर डिसीजन मेकिंग प्रामाणिकता से लिया जाए, ये तो सबसे अच्छी बात होगी. ये तो हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही स्वस्थ होगा कि हमारे नेता ये डिसाइड करें कि भाई पब्लिक एजेंडा सेट कर रही है कि हमें इस चुनाव में इन मुद्दों पे आपका वक्तव्य चाहिए, हमें इस चुनाव में इन मुद्दों पे आपसे अपील चाहिए. तो ये तो अच्छी बात है कि डेटा साइंटिस्ट चुनाव के साथ जुड़कर, चुनाव प्रक्रिया के साथ जुड़कर इंपैक्ट कर रहे हैं इलेक्शंस को. तो ये बहुत ही पॉजिटिव घटनाक्रम है. लेकिन ये घटनाक्रम पॉजिटिव तब तक रहता है जब तक भारतीयों के बारे में रिसर्च कर रहे हो इलेक्शंस इंपैक्ट करने के लिए.
आपको क्या नहीं लगता कि हम क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किस तरीके से नेटवर्क कर रहे हैं, उस नेटवर्किंग में हमारी भाषा कौन सी होती है, हम किसी के साथ अगर हम किसी के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं तो उस मिसबिहेवियर का पॉलिटिकल रामिफिकेशन क्या है, इस तरह की गूढ़ राजनैतिक बातें, सूक्ष्म राजनैतिक बातें जो केवल मेरे देश की हैं, जो केवल मैं अपने घर की दहलीज के अंदर, और मैं भारत को घर मान रही हूं इसलिए कह रही हूं, हम अपने घर की दहलीज के अंदर जो कॉन्वर्सेशंस करके अपनी बात सामने रख रहे हैं, अगर कोई फॉरेन प्लेयर आकर उसको सुनता है, उसको समझता है और उसके हिसाब से मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कहता है कि आप ऐसे डिसीजन लीजिए तो आप इलेक्शन जीत सकते हैं, तो क्या ये हमारी अक्षुण्णता के साथ, क्या ये हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं है? कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ जो आज हुआ है और जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी का कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ दिखा है, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है और ये यही मुद्दा है जो इस चुनाव को मुझे लगता है निर्णायक बनाएगा, 2019 के चुनाव को भी और उसके पहले आने वाले किसी भी चुनाव को। राहुल गांधी जी एक इटालियन मां के अर्ध इटालियन बेटे हैं और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। हो सकता है उनकी सिटीजनशिप इंडियन हो, मुझे नहीं पता, आज तक उन्होंने अपनी सिटीजनशिप का ब्यौरा जनता के सामने नहीं रखा, तो मुझे नहीं पता राहुल गांधी जी भारतीय हैं, अर्ध इटालियन हैं या उनको नागरिकता कहीं और की है, ना मुझे इंटरेस्ट है जानने में और ना मैं जानना चाहती हूं। इसलिए नहीं जानना चाहती क्योंकि शुद्ध रूप से मैं राहुल गांधी को अपना नेता मानती ही नहीं। वो मेरे लिए एक ऐसे प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है जिनको पॉलिटिक्स में केवल इसलिए रहना है क्योंकि उनका परिवार 10 जनपद में सरेआम राज करता रह सके। मेरे लिए राहुल गांधी वो फेल्ड एमपी हैं जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो डेवलप नहीं कर पाई, वो देश का बंटाधार करने पे तुले हुए हैं। तो राहुल गांधी कहीं से भी हो मुझे उससे लेना देना नहीं, लेकिन मुझे उनसे लेना देना तब होता है जब राहुल गांधी एक अर्ध इटालियन नागरिक, एक अर्ध इटालियन व्यक्ति चाइनीज एम्बेसडर से जाकर मिलता है, हमारी भारतीय राजनीति में सक्रिय है और उसके बाद मुझे पता नहीं चलता कि चाइनीज एम्बेसडर के साथ इनकी बात क्या हुई। जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो उनकी अघोषित प्रवक्ता साध्वी खोसला जैसे लोग सामने आते हैं मार्केट में, लचियंस में बैठे हुए बहुत जर्नलिस्ट सामने आते हैं, मृणाल पांडे जी जो आज नेशनल हेरल्ड की सीनियर एडिटर बन चुकी हैं, वो लोग सामने आते हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए खुलकर बैटिंग करते हैं। ये वो तंत्र है जिसका एक्सपोज होना जरूरी है, जो ऑलरेडी एक्सपोज है पर उसके बारे में बहुत ही प्रामाणिकता से और बहुत ही लाग लपेट के बिना बातें रखना जरूरी है। हमें जरूरी है कि हम इस तंत्र को समझें, इसलिए समझें क्योंकि चाइनीज पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट क्या बात करता है उसकी इंफॉर्मेशन ना तो भारत सरकार के पास होती है ना तो सिटीजन्स के पास होती है। आप स्वयं सोचिए, स्वतंत्र विचार से सोचिए कि क्या यह हमारी अक्षुण्णता के साथ, हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं है? एक गोरी चमड़ी का व्यक्ति जिसका बिजनेस ऑपरेशन लंदन में चल रहा है, इटली में चल रहा है, देश विदेश में चल रहा है, उस इटालियन माता और अर्ध इटालियन पुत्र की क्या कॉन्वर्सेशंस बाहर हो रही हैं और किस तरह से वो किन बिजनेस हाउसेस के साथ डील कर रहा है, क्या इसके बारे में भारत के हर एक नागरिक को चिंतित नहीं होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो मैं पूछना चाहती हूं आप सबसे कि क्या हम चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के में जिस तरह से इलेक्शंस हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, क्या हम उसी तरह का रिग्ड इलेक्शन इंडिया में देखना चाहते हैं? क्या हम भारत में एक भारतीय वर्जन ऑफ ट्रंप जो राहुल गांधी हैं, हम उनको पनपते हुए पॉलिटिकली देखना चाहते हैं? ये सवाल हर एक भारतीय के जहन में उमड़ता घुमड़ता रहना चाहिए, केवल 2019 तक नहीं जब आपको जाकर वोट देना हो, आगे आने वाले दशकों तक ये सवाल उमड़ घुमड़ कर हमारे अंदर रहना चाहिए कि क्या हम एक अर्ध इटालियन पुरुष को के हाथों में अपने देश के भविष्य की बागडोर सौंपे, उस अर्ध इटालियन नागरिक के हाथ में, उस अर्ध इटालियन कोट अनकोट युवा प्रोफेशनल पॉलिटिशियन के हाथ में,
जो हमें यह तक नहीं बताता कि वो इतनी सारी फॉरेन विजिट्स करता है, इतने सारे बिजनेस हेड से मिलता है, इतने सारे एडवर्टाइजिंग फर्म्स से मिलता है, इतने सारे अम्बेसडर्स से मिलता है, कि वो उनसे क्या बात करता है। ये वो व्यक्ति है जो ये दंभ भरता है कि उसकी पार्टी ने भारत पे निर्बाध रूप से शासन किया है, अतः भारत पर शासन करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप बताइए कि क्या युवा होने के नाते, भारत के एक नागरिक होने के नाते, भारत के एक वोटर होने के नाते, क्या हम राहुल गांधी जी से ये डिजर्व नहीं, क्या हम राहुल गांधी जी से ये जवाब डिजर्व नहीं करते? और अगर करते हैं तो पूछिए, पूछ पूछ कर इनको सवालों के जवाब देने पर मजबूर कीजिए। अभिजीत साइकिया जी कह रहे हैं, मीडिया डाउनप्लेज राहुल मीटिंग विद चाइनीज एम्बेसडर, चाइना इज गोइंग एक्टिव ऑन वेस्ट साइड ऑफ इंडिया वाया पाकिस्तान, OBOR विल सीरियसली अफेक्ट द बलूचिस्तान नैरेटिव। ऋषभ, दिस वॉज नीडेड, व्यूज रियली नीड टू बी पुट आउट। ऑन द वन साइड द स्टैंड ऑन आधार इशू इज स्टिल नॉट क्लियर। Firstly, they were the government brought the Aadhaar card in the quasi-federal structure. Their own party have made allegations that Aadhaar is a failed thing. They say that government is hijacking the Aadhaar scheme and privacy breach can be done. Now and then, baseless facts are put by the leaders to create confusion in the minds of common people. The hypocrisy has been exposed. You are absolutely right, Rishabh. There is a very interesting layer to this entire thing, which is this. आपने बहुत ही सही तरीके से point out किया कि जो पूरी आधार कि जो समस्या है, कि जो पूरे आधार कार्ड को लेकर जो एक माया जाल फैलाया गया है, उस माया जाल के जनक कौन थे? आधार की बात सबसे पहले किसने की थी? कांग्रेस पार्टी ने की थी, तब तो वो बड़ा प्रोग्रेसिव होकर बातें कर रही थी। आज जब राहुल गांधी जाकर चाइनीज एम्बेसडर से मिलते हैं, आज जब डेटा सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है हमारी, और कैसे हो रही है मैं बता रही हूं, फेसबुक पर जिन जिन के प्रोफाइल्स रिव्यू के लिए गए हैं, मेरा प्रोफाइल रिव्यू के लिए गया है इसलिए मैं बता रही हूं, जब मेरा प्रोफाइल रिव्यू के लिए जाता है तो फेसबुक मुझसे मांगता है कि आप अपना आइडेंटिफिकेशन दें, और वो एक डॉक्यूमेंट से खुश नहीं होता, उसको तीन डॉक्यूमेंट देने होते हैं, उसको आपको पैन कार्ड भी देना होता है, उसको आपको वोटर आईडी कार्ड भी देना होता है, आधार कार्ड भी देना होता है। कहने का मतलब आपको आपका एग्जिस्टेंस जिस नाम से है वो प्रूफ करना होता है, और आप जहां रहते हैं ये प्रूफ करना होता है। आधार के थ्रू आपको पता है कितनी इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास हमारी होंगी। कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी कंपनी को अगर आप हायर करते हैं, जो सटल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के थ्रू वोटर्स के माइंड को और उसके बिहेवियर को इंपैक्ट करती हैं, अमूमन आप देखते होंगे कि आजकल बहुत सारे सर्वेस चलते हैं फेसबुक पे कि हम आपको आपकी भविष्यवाणी बताएंगे, हम बताएंगे कि आप 10 साल के बाद कैसी दिखेंगे, हम बताएंगे कि अगर आप और आपके हस्बैंड हैं तो आप दोनों के फोटो को मिक्स और मैच करके हम बताएंगे कि आपका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, आपकी जो पुत्री होगी, आपका पुत्र होगा, वो कैसा दिखेगा। और इस तरह के सर्वेज में बहुत खुशी खुशी हम भाग लेते हैं। जब हम भाग लेते हैं तो उसमें एक क्लॉज आता है, आप पढ़िएगा, कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके सारे डेटा, आपका फोटोग्राफ, आपके वीडियोज सब फेसबुक के पास बैकएंड पे जा रहे हैं। अब आप बताइए, अगर कैम्ब्रिज एनालिटिका फेसबुक के साथ काम कर रही है और ये डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका खरीदती है, तो आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फेसबुक के पास, कैम्ब्रिज एनालिटिका के पास पहुंचती है। कैम्ब्रिज एनालिटिका कोई और भी हो सकता है, मतलब कैम्ब्रिज एनालिटिका इज जस्ट अ नेम ऑफ अ कंपनी, इट कैन बी एनी कंपनी हु डज दैट। नाउ दिस कंपनी कैन नाउ मैनिपुलेट योर बिहेवियर, वो आपको माइक्रो टारगेटिंग कर सकती है, आपके पूरे डिस्कशन फ्रेमवर्क को देखकर, आपकी सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने पब्लिक डोमेन में शेयर की है उसको देखकर वो आपको टारगेट कर सकती है। अब आप ये बताइए कि क्या राहुल गांधी जी अब अपना स्टैंड क्लियर करेंगे? खैर, राहुल गांधी जी से एक्सपेक्ट करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जिस अवस्था में, स्मोकी अवस्था में रहते हैं, उनको शायद आधार भी पूरी तरह समझ में ना आए। पर मुझे इतना जरूर पता है कि उस इंसान की चाइनीज एम्बेसडर के साथ क्या बात हुई, और सिंगापुर में जाकर वो क्या बात करता है। वो व्यक्ति जब नए नए विदेशों में भ्रमण करता है और बिजनेस लीडर से मीटिंग की बात को वो ट्वीट करता है, तो हमारे जैसे युवा क्यों इतने कमजोर पड़ते हैं कि हम सवाल नहीं पूछते कि तुमने वहां से क्या इंफॉर्मेशन ली, तुम्हारे और उसके बीच में कौन सी बात साझा हुई है, तुम और वो किस एजेंडे पे काम करना चाहते हो, हम क्यों नहीं पूछते? हम मोदी जी से तो सवाल पूछ लेते हैं कि आपने सूट पहना है उसका भी आप ब्यौरा दीजिए,
आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर कीजिए कि नवरात्र में जो आप खाना खाते हैं उस तक पे आरटीआई चली जाती है कि उसका पैसा कौन वहन करता है। तो हम क्या राहुल गांधी जी से ये छोटा सा सवाल नहीं पूछ सकते? क्यों डर लगता है हमें सवाल पूछने में? क्योंकि राहुल गांधी एक बहुत बड़ा हौवा है, क्योंकि राहुल गांधी के पास पैसे की ताकत है, क्योंकि राहुल गांधी के पास 10 जनपथ में घर है, क्योंकि राहुल गांधी ने तमाम उन कॉर्पोरेट हाउसेस को खरीद कर रखा हुआ है जो राहुल के एक निशाने पे काम करता है, क्योंकि राहुल गांधी का नेटवर्क बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है जो शायद हमारे देश की संप्रभुता पे सवाल उठा रहे हैं। मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं, पर राहुल गांधी क्या बताएंगे कि ये झूठ है? क्या वो जनता के सवालों को हेड ऑन लेने को तैयार है? कैम्ब्रिज एनालिटिका से आपने बात तो कर ली राहुल गांधी जी, पर ये बताइए कि क्या यूएस स्टाइल में जिस तरह इलेक्शंस होते हैं और जनता के सवाल लीडर्स जनता के बीच में आकर लेते हैं, क्या लेने में हिम्मत है आपकी? और अगर नहीं तो हम आपको अपना नेता क्यों माने? और अगर नहीं तो हम एक अर्ध इटालियन व्यक्ति को अपना नेतृत्व क्यों सौंपे? हम देश की अखंडता अक्षुण्णता को आपके हवाले क्यों करें? ये पिक्चर तब क्लियर हुई थी दोस्तों जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगे थे और राहुल गांधी वहां पर टपरी पर चाय की चुस्कियां लेते हुए उन अधेड़ उम्र के विद्यार्थियों के साथ पाए गए थे। ये पिक्चर हमारे दिमाग में तब क्लियर होनी चाहिए थी, पर तब भी बहुत से बौद्धिक अय्याश ये सोच रहे थे कि चलो चलता है, इट इज अ वेरी लिबरल काइंड ऑफ अ ट्रेडिशन वेयर राहुल गांधी इज विजिटिंग अ यूनिवर्सिटी एंड इंटरैक्टिंग विद द यूथ इन अ वेरी कूल काइंड ऑफ अ वे। नाउ टेल अस ऑल दोज स्टूडेंट्स एंड पीपल, डू यू बिलीव दैट राहुल गांधी इज अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड विद इंडियाज बेसिक डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज? शुड वी ट्रस्ट हिम? देखो भाई, सीधी सी बात है, जब किसी नॉन इंटरेस्टेड नॉन इम्पॉर्टेंट नॉन नेशनलिस्ट पार्टी को टारगेट ऑडियंस की कमी पड़ती है सोशल मीडिया में, तो वो फेल्ड पार्टी अपने खोटे सिक्के को चलवाने के लिए सोशल मीडिया की ह्यूज वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए पर्सनल डेटा की चोरी तो करवाएगी ही, जिससे उस टारगेट ऑडियंस या वोट बैंक के दिमाग में वो डिवाइसिव कूड़ा भरा जाए, जिससे वो वोट बैंक कंफ्यूज होकर एक देश बेचने वाले हाफ इंडियन हाफ इटालियन राहुल घैंडी GHANDY को इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना दे। बिल्कुल सही बात। मेरी दृष्टि में राहुल गांधी किसी वार्ड पार्षद बनने के योग्य नहीं। सुनील आर्य जी एक्चुअली वो एमपी हैं, अब क्या करें, अब दुर्भाग्य हमारा कि एमपी हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि अमेठी की जनता ये सवाल क्यों नहीं पूछती कि 5 किसान अमेठी से चले आए उठ करके जो कहें कि हम इस देश के सारे किसानों का अब सिरमौर बनेंगे और हम दिखाएंगे कि खेती कैसे की जाती है। उस अमेठी से आज 5 एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं खड़े हो सके जो कहें कि हम बताएंगे युवाओं के को कि जॉब क्रिएट कैसे की जाती है। इन लोगों की हिम्मत देखिए, 70 साल तक निर्बाध शासन करने के बाद आज ये मोदी जी से सवाल पूछते हैं आपने जॉब क्रिएट क्यों नहीं की? शर्म आती है मुझे हम जैसे युवाओं पे भी कि हम लोग ये सवाल राहुल गांधी से पूछने की हिम्मत तक नहीं रख पाते, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स। अर्थ इटालियन बोलना उचित है, क्या बोलूं मुकेश ओझा जी, उनकी माँ इटालियन नहीं है, उनके पिता अगर भारतीय थे उनकी माँ अगर इटालियन है तो वो अर्थ इटालियन नहीं हुए। कौन सा गलत बोल दिया मैंने? बैटिंग कहीं और कीजिएगा आप लोग, सबकी राजनीति मैं समझती हूँ, जो जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं सबकी राजनीति मुझे पता है, आप रहने दीजिए, जो बोल रही हूं उसको फैक्चुअली काउंटर कीजिए, नहीं कर सकते तो सवाल मत पूछिए। Nothing in this world is free. We think Facebook is free. Facebook sells this data to companies like Cambridge Analytica. Rohan ji, I'm not saying that Facebook sells this data. What I'm saying is Facebook can sell its data. And why not? Ultimately, these are private limited companies who are operating in the public domain. We would be fools to share everything personal about us on social media. So, I think we have to regulate our behavioral strategies. In fact, मैं जो ये लाइव सेशन कर रही हूं ये भी मेरे बिहेवियर के सारे पर्दे खोल रहे हैं और इसका कोई भी जो भी व्यक्ति चाहे वो अवैध उपयोग तो कर ही सकता है, बट हमें समझना होगा ना कि हमें अपनी जिम्मेवारी से कोई भी इंफॉर्मेशन फेसबुक पे शेयर करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। नो वंडर वाई को फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप इज आस्किंग पीपल टू क्लोज फेसबुक। ओ अगेन अभिजीत जी, इट्स नॉट दैट व्हाट्सएप इज सेफ। In fact, Smriti Rani ji very the other day posted on her own Instagram feed how Chinese companies are have used lot of these numbers to infiltrate into your WhatsApp groups, and these information is then
डाउनलोडेड, योर इन्फॉर्मेशन इज डाउनलोडेड ऑन व्हाट्सएप बाय ऑल दीज वेरियस सर्वर्स. आई डोंट नो द टेक्निकलिटी, सो आई वुडंट यू नो गेट इनटू अ वेरी टेक्निकल डिस्कशन, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कोई भी एक नंबर इन्फिल्ट्रेट करता है, जो किसी भी उसका हो, किसी भी देश का हो सकता है, चाइनीज कंपनीज चूंकि एक्टिव हो सकते हैं, और इंडियन आर्मी ने आधिकारिक रूप से ये कहा है कि सिटीजन्स तक ये बात पहुंचनी चाहिए, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चेक कीजिए. +86 नाम से कोई भी नंबर अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है, तात्कालिक रूप से उस चीज को ग्रुप एडमिन को बताइए, उस ग्रुप को छोड़िए, क्योंकि आपकी सारी इंफॉर्मेशन ये चाइनीज कंपनीज के पास जा सकती हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, मैं बार बार इस लाइव सेशन में इसका जिक्र कर रही हूं, हमें नहीं पता कि राहुल GHANDY की मीटिंग चाइनीज एम्बेसडर के साथ जो हुई थी उसका क्या मतलब था, और वो बहुत ही सीरियस दौर में हुई थी. उस समय इंडिया चाइना बॉर्डर पे टेंशन उत्पन्न हुआ था, उस समय राहुल गांधी जी की जो मीटिंग थी बहुत ही संदिग्ध थी. मुझे एज एन इंडियन सिटीजन काफी कंसर्न है उस मीटिंग का क्या था हिसाब किताब, कौन सी MOUs साइन हुई एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर और चाइनीज एम्बेसडर में, तब जब इंडिया लड़ाई कर रहा है चाइना से या लड़ने वाली अवस्था में है चाइना के साथ. मुझे नहीं पता कि कौन सी साठगांठ हुई, क्या कॉन्वर्सेशन हुई. सो आई विल बी रियली वेरी विथ ऑल दीज डेवलपमेंट्स. ऑल राइट, आई थिंक पीपल आर इन कॉरबोरेशन विथ वॉट आई हैव बीन सेइंग. आई थिंक दिस इज वॉट आई हैड टू शेयर फॉर टुनाइट. आई गॉट रियली एंग्री बिकॉज ड्यूरिंग द रिपब्लिक डिबेट ऑल्सो बहुत सारे लोग जो या तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से छद्म रूप से बैटिंग कर, एक्चुअली दिक्कत क्या है ना कि इन लोगों को अपनी राजनीति को लेकर के वो लोग इतने इनसिक्योर हैं कि वो ये तक नहीं कह सकते खुलकर कि हाँ मैं इस पार्टी का समर्थन करता हूं, करती हूं, मैं घोषित रूप से कहती हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर समर्थक हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑफिशियली कैंपेन्स भी करती हूं, लेकिन स्टिल मैं एक स्वतंत्र विचारों की महिला हूं. भारतीय जनता पार्टी कहीं पे अगर कुछ गलत करती है तो मैं उसका विरोध भी करती हूं, और मैंने कई बार किया है. तो मेरा काम करना, मैं अपनी राजनीति बिल्कुल स्पष्ट रूप से रख कर आप लोगों के सामने आती हूं कि ये है मेरी पॉलिटिक्स. अगर आपको फिर भी मुझे बीजेपी का एजेंट मानना है तो आप मानिए, आपकी श्रद्धा, आपका दिमाग, आपका मानसिक दिवालियापन, उस पर मैं कुछ कर नहीं सकती. पर ये साध्वी खोसला जैसे जो लोग आते हैं, ये आपकी बैंजल टाइप की जो महिलाएं, स्वाति चतुर्वेदी टाइप की महिलाएं, इनकी क्या पॉलिटिक्स है? ये मृणाल पांडे की क्या पॉलिटिक्स है? कल तक आपने आप अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करती हैं और उसको अगले दिन आपको सीनियर एडिटर बना दिया जाता है नेशनल हेरल्ड में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी आप, जो कांग्रेस पार्टी का ही एक संगठन है एक तरह से कहा जाए. तो इन लोगों की पॉलिटिक्स क्या है, और हम युवा इनसे सवाल क्यों नहीं पूछते? मैं बार बार कहती हूं, हम लोग नेताओं से तो सवाल पूछते ही रहे, हम मीडिया से सवाल पूछें. आज ही किसी ने बहुत अच्छा पोस्ट किया था, मैं स्क्रॉल कर रही थी, मैंने देखा कि हमें रवीश कुमार जी से पूछना चाहिए कि इन्होंने इतनी सारी सीरीज की, फैंटास्टिक सीरीज की है इन्होंने, जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको लेकर के काफी सारे लोगों पे इन्होंने, किसानों पे इन्होंने सीरीज की है, मीडिया पे सीरीज कब करेंगे? कब करेंगे ये सीरीज की? कॉपी एडिटर्स को 15,000-15,000 की नौकरी दी जाती है, 25,000-25,000 में, 10,000-10,000 में आपके जो गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम जो काम करती है उनके, और ये रवीश कुमार सरी के बड़े पत्रकार लाखों करोड़ों में जो कमाते हैं, कुछ करोड़ों में भी कमाते हैं. मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता रवीश कुमार जी की सैलरी क्या है, बट बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ एंकर्स हैं जो करोड़ों में भी कमाते हैं. तो ये जो करोड़ और 10,000 का जो एक आंकड़ा है, उनके बीच का जो गैप है, उसको एक्सपोज करने के लिए रवीश कुमार जी कब करेंगे मीडिया पे एक बसवस्त चर्चा? बहुत इंडिपेंडेंट बनते हैं ये लोग. तो पूछिए, सवाल पूछिए, बिकॉज सवाल पूछना ही युवाओं की सबसे बड़ी विरासत है, और हमें इस सवाल पूछने की लंबी विरासत को, एक बहुत ही समृद्ध भारतीय परंपरा की विरासत को छोड़ना नहीं चाहिए. जय हिंद दोस्तों, नमस्ते.